वेलकम बैक। इस क्वेश्चन ने पूछा है एन आयनिक कंपाउंड ए प्लस एंड बी माइनस इज मोस्ट लाइकली फॉर्म व्हेन, मतलब कंडीशन पूछ रहा है जब आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है ए, दूसरा होता है एलिमेंट बी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस क्वेश्चन में क्या ए प्लस में और बी माइनस में है ना कंपाउंड में, मीन्स इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, ए लूज करेगा, किसको देगा, बी को देगा। तो देखो इस फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में दो एनर्जी इन्वॉल्व है, कौन कौन सा एनर्जी, ए इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ए से बाहर आ रहा है, तो मतलब क्या इन्वॉल्व होगा, एनर्जी फॉर रिमूविंग ए। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन बी को मिला, तो जब बी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब ए से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इस समय कौन सा एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन बी को गया, इस समय कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो स्टेप वाइज में देख सकते हैं, अगर हम लोग स्टेप में लिखेंगे तो क्या होगा, ए गोज टू ए प्लस एन इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय बी टू गेट बी माइनस। तो यहां पे क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज्ड। तो हम लोग देख सकते टू एनर्जीज आर इन्वॉल्व, फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिलीज। तो बेस्ट कंडीशन क्या होगा बनाने के लिए आयनिक बॉन्ड, देखो ये कैंसल हो गया, तो ए प्लस बी गिव्स ए प्लस बी माइनस। तो ये है आपका नेट स्टेप या ओवरऑल रिएक्शन, इसमें कौन कौन सा है, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड। तो आपको ध्यान रखना है वो स्टेप बहुत फेवरेबल होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मिनिमम एंड एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम। मीन्स एक रिएक्शन में जहां एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली टू टेक प्लेस, मोर इज द एनर्जी रिलीज मोर इज द लाइकलीहुड ऑफ दैट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। सो हम लोग को चाहिए इस स्टेप में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, तो क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट मिनिमम होना चाहिए और रिलीज मैक्सिमम होना चाहिए। सो कंडीशन विल बी आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज शुड बी मैक्सिमम। सो कंडीशन होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए शुड बी मिनिमम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी शुड बी मैक्सिमम। सो कंडीशन विल बी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज मिनिमम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी should be maximum. So under this condition, ionic bond is most likely to form.